हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास सिक्स में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है चीज़ों को, जो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उन्हें एक दूसरे से अलग करना। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, यानी जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है उसमें जो इंट्रोडक्शन में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस, नंबर 2, व्हाई इज सेपरेशन नेसेसरी, नंबर 3, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, नंबर 4, सॉलिबिलिटी, एंड नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो सबसे पहली हेडिंग मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर यानी जब दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो हम उसे मिक्सचर्स कहते हैं। ए मिक्सचर परफॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शंस, द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट कम्बाइंड केमिकली। और कई बार वो केमिकली कम्बाइंड होती हैं और कई बार वो केमिकली कम्बाइंड नहीं होती। उसके एग्जाम्पल्स हैं, एयर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, लेमिनेड है, सी वाटर, आयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। यानी अगर हम हवा की बात करें तो हवा में ऑक्सीजन है, CO2 है, वाटर वेपर भी हैं। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपका शुगर है, साल्ट है, वाटर है और केमिकल्स भी हैं, लेमिनेड, नींबू की शिकंजी, जिसमें भी जो भी मिक्सचर्स हैं। इसी तरह जब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 होमोजीनस मिक्सचर, नंबर 2 हेट्रोजीनस मिक्सचर। नाम से ही पता चलता है होमो का मतलब एक जैसे और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, यानी जिनके स्ट्रक्चर्स और साइज डिफरेंट होते हैं उन्हें हम हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कहते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहली हेडिंग आती है होमोजीनस मिक्सचर, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए होमोजीनस मिक्सचर इज दैट विच हैज़ द कंपोजिशन दो आउट दैट इज इट्स कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हैंस इट इज डिफरेंट पार्ट्स कैन नॉट बी डिसइंटिग्निश फ्रॉम ईच अदर। ए सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट और शुगर इन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। यानी जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो चीज़ें मिक्स हुई वो देखने में उनके जो साइज़ हैं वो लगभग एक जैसे हैं और वो मिक्स होने के बाद वो उसमें दिखाई भी नहीं देते। इसे एक हम एग्जाम पिक्चर से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, हमने पहली टेस्ट ट्यूब में वाटर, दूसरी में भी वाटर, तीसरी में भी वाटर, और हमने इन तीनों टेस्ट ट्यूब में पहले वाटर को वाटर ही रहने दिया, दूसरे में हमने थोड़ा साल्ट मिक्स कर दिया, तीसरे में हमने शुगर मिक्स कर दिया और अच्छे से घुमा इनको हमने मिक्स कर लिया। तो अगर हम तीनों को थोड़ी देर बाद देखें तो हमें इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता। यानी होमोजीनस मिक्सचर ऐसा है कि वो जो पहले दिख रहा था वैसे ही बाद में भी दिखाई देता। इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ए हेट्रोजीनस मिक्सचर इज दैट विच डू नॉट हैव द सेम कंपोजिशन, यानी इसमें जो चीज़ें मिक्स होती हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है, वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। एक दूसरे में जब मिक्स नहीं होते या तो सेटल डाउन हो जाते हैं या उस लिक्विड में वो घूमते रहते हैं। मिक्सचर ऑफ ए सैंड इन वाटर, आयरन नेल्स इन सल्फर पाउडर, पेडल्स इन राइस आर सम एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसे भी हम एक पिक्चर से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बीकर हैं, हमने दोनों बीकर में कुछ चीज़ें मिक्स करी, जैसे कि पहले बीकर में हमने सैंड को मिक्स किया, थोड़ी देर उसे हम स्टर करते हैं तो वो घूमता रहता है पानी में और थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, यानी वो पूरी तरह से उसमें मिक्स ही नहीं हो पाया, उनकी जो कंपोजिशन है वाटर की और सैंड की वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से वो उसमें मिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब जैसे कि शुद्ध, आप जानते हैं। इफ़ ए सब्सटेंस कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स और ए मॉलिक्यूल इट इज़ कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। यानी एक सब्सटेंस जिसमें एक ही जैसे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वेरी फ्यू प्योर सब्सटेंस आर फाउंड इन नेचर। शुगर और साल्ट क्रिस्टल्स आर प्योर सब्सटेंस। यानी जो शुगर हैं और साल्ट के क्रिस्टल्स हैं वो ही प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में हैं। तो अब
मिक्सचर समझ आया, प्योर सब्सटेंस समझ आया, लेकिन चीज़ें मिक्स होती हैं, मिक्स होने के वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, अब उस पर बढ़ते हैं। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कॉन्स्टिटेंट इज़ ऑफ्टन नेसेसरी फॉर सेवरल रीज़न, यानी चीज़ों को अलग करना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दीज आर एज फॉलोज, वो इस तरह की जाती हैं। टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिटेंट, यानी सबसे पहली बड़ी बात कि हम सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें अनावश्यक हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। टू ऑप्टेन यूजफुल कॉन्स्टिटेंट, हमें सिर्फ काम की चीज़ें चाहिए इसलिए हमने उन्हें सेपरेट किया। नंबर थ्री पॉइंट, टू ऑप्टेन प्योर सब्सटेंस, और हम ऐसा इसलिए भी करते हैं कि जो उनमें इम्प्योर सब्सटेंस है वो अलग हो जाए और प्योर सब्सटेंस हमारे पास रह जाए, जिससे हम काम का कुछ भी चीज़ जो बनाना चाहते हैं वो ठीक से बन सके। तो मेथड ऑफ सेपरेशंस क्या हैं, कैसे चीज़ों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट मैथड्स बाई विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स कैन सेपरेटेड। फॉर अंडरस्टैंडिंग दैम बैटर लेट अस डिवाइड द मिक्सचर इंटू थ्री कैटेगरीज, यानी जो सेपरेशन का मेथड है वो इतना आसान नहीं है। सब्सटेंस किस तरह के हैं, किस क्वालिटी के हैं, ये हमें जानना चाहिए। जिसके जब हमें उनकी जानकारी हो जाती है तभी हम चीज़ों को एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर सकते हैं। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो मैटर्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें जिसमें हमें सेपरेशन करना है वो भी उसी आधार पर है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद सॉलिड, यानी एक सॉलिड चीज़ को दूसरी सॉलिड चीज़ में से अलग करना। दूसरा, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद लिक्विड, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिक्विड में से अलग करना। थर्ड, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद लिक्विड्स, यानी लिक्विड कंपोनेंट को लिक्विड कंपोनेंट से दूसरे लिक्विड को अलग करना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद सॉलिड, हैंड पिकिंग। ये वाला एग्जाम्पल हम अपने घरों में देखते हैं। द मैथड ऑफ सेपरेटिंग विजिबल अनवॉन्टेड पार्टिकल्स फ्रॉम ग्रेन्स बाई हैंड नॉन एज हैंड पिकिंग, यानी जब हमारे घरों में दाल, चावल, जो भी खाने की चीज़ें पकाई जाती हैं, जैसे दालें हैं, तो सबसे पहले आपकी जो मदर हैं उन्हें एक बार अच्छे से देखती हैं कि उनमें कोई छोटा कंकड़ तो नहीं है। यानी हाथ के द्वारा अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को अलग करना हैंड पिकिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है विनोइंग। विनोइंग का मतलब यानी हवा के द्वारा चीज़ों को अलग करना। द मैथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाई विंड और बाई ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड विनोइंग, यानी हवा के माध्यम से हल्के और भारी पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करना, इसे हम विनोइंग कहते हैं। और ये ज़्यादातर हम फार्मर्स करते हैं गाँव में, जब गेहूँ को काटा जाता है तो उसको अलग करने के लिए इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है सीविंग, छानना। द मैथड ऑफ सेपरेटिंग द कम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ यूजिंग ए सीविंग इज कॉल्ड, यानी आप लोगों ने अपने आसपास घरों को बनते हुए देखा होगा, तो जो मजदूर लोग होते हैं वो रेत को और जो दूसरा मटेरियल होता है उसको छानते हैं, तो उसके बीच में वो एक छलनी लगा देते हैं और उसे अच्छे से छानते रहते हैं। यानी कंकड़ पत्थर को रेत से अलग करने के प्रोसेस को सीविंग कहते हैं। और ये प्रोसेस हमारे घरों में भी होता है। आपके घरों में जब खाना बनता है, आटा गूंधा जाता है, डो बनाया जाता है, तो आपकी जो मदर हैं सबसे पहले आटे को छानती हैं छलनी के द्वारा, इसे हम सीविंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, थ्रेशिंग। दिस मैथड इज़ जनरली यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी ये वाला जो मेथड है इसे किसान लोग इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने खेत में जो फसल अच्छे से ग्रोथ हो जाती है उसको काटा जाता है, तो उस फसल में से दानों को, ग्रेन्स को तने से अलग करना, स्टॉक से अलग करने के प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इसे हाथों के द्वारा भी किया जाता है और मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। यानी जिस मशीन के द्वारा गेहूं को उसके तने से अलग किया जाता है उसे हम थ्रेशिंग प्रोसेस कहते हैं, और इस मशीन को थ्रेसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड्स, यानी अब जो सॉलिड्स है उसे
लिक्विड में से अलग करना है या लिक्विड को सॉलिड में से अलग करना है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं। नंबर वन, फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉलेबल सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल, सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। हमारे घरों में ये डेली होता है, हमारे घरों में चाय बनती है, इस चाय में से चाय की पत्ती को अलग किया जाता है, तो इसमें हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिल्ट्रेशन किया गया, छाना गया। जब हम इसे केमिकली बात करते हैं तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है फिल्ट्रेशन का, बीकर होता है, फिल्टर पेपर कोन लिया जाता है और उसके अंदर एक फिल्टर पेपर को लगाया जाता है, यानी मडी वाटर यानी जो मिट्टी वाला पानी है उसको जब छाना जाता है फिल्टर पेपर की सहायता से और बीकर में हमें क्लियर वाटर प्राप्त होता है, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी अपनी डेली लाइफ में होता भी है, हम जानते भी हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी हमारे घरों में पानी गंदा आ जाता है, सुबह जो पानी टैप वाटर में आता है वो गंदा आ जाता है, तो आपके घरों में आपकी मदर कह देते हैं कि इस पानी को ऐसे ही भरा रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद देखते हैं। बाल्टी में पानी भर जाता है, जो मिट्टी होती है वो थोड़ी देर बाद पानी में नीचे बैठ जाती है। मिट्टी का पानी में नीचे बैठ जाना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिकेंटेशन। अब इस बाल्टी में से साफ पानी को दूसरे कंटेनर में या दूसरी बाल्टी में कर लेना ही डिकेंटेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉलेबल पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी भारी और इनसॉलेबल पार्टिकल का बॉटम में बैठ जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ए क्लियर लिक्विड। अब साफ पानी को अलग कर लेना फ्रॉम ए वेसल्स आफ्टर सेडिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, यानी नीचे जो बैठी हुई मिट्टी है उसको बिना डिस्टर्ब किए जब हम ऊपर वाले साफ क्लियर लिक्विड को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। इसे हमने डायग्राम से भी समझाया गया है कि एक हमारा मडी वाटर है, उसको थोड़े दिन हमने शांत रहने दिया तो जो गंदगी थी वो सारी नीचे बैठ गई, इसे सेडिमेंटेशन किया गया और फिर इसमें से हमने क्लियर वाटर को अलग कर लिया, इसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलेबल लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स। यानी सॉलेबल कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड्स में मिक्स हो जाते हैं, जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड्स में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाए। इवेपराइजेशन, ये इसको बारे में आप जानते हैं। दिस मेथड यूजिंग टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन ए लिक्विड। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। This method is commonly used to obtain common salt from sea water. This process of changing a liquid into a vapor by heating is called evaporation. यानी जब पानी में नमक जो घुला हुआ है उसे हमें अलग करना है तो हम पानी को हीटिंग प्रोसेस के द्वारा जब वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, इवेपरेशन होने लगता है और नमक को हम अलग कर लें, इस प्रोसेस को हम इवेपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इंटू ए लिक्विड फॉर्म्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी वाटर वेपर दोबारा से जब लिक्विड में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसे भी पिक्चर से दिखाया गया है कि एक बर्नर है, पानी को किसी बर्तन में उबाला जा रहा है और जो भाप बन रही है, अगर हम उस भाप के बीच में मेटल की कैप या कुछ बर्तन लगा देते हैं तो ये पानी जब मेटल से टकराता है तो धीरे धीरे ठंडा होके फिर दोबारा भाप जो है टकराता है तो धीरे धीरे ठंडा होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद लिक्विड्स। यानी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में से अलग करना। लिक्विड भी दो तरीके के होते हैं, एक मिसिबल लिक्विड होते हैं और इमिसिबल लिक्विड होते हैं। यानी मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और उन्हें अलग करना होता है, और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से
एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं, इस तरह के लिक्विड्स को हम इमिसिबल कहते हैं। जो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं उन्हें हम सेपरेटिंग फनल के माध्यम से अलग करते हैं, और जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से अलग करते हैं। सेपरेटिंग फनल और डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल केमिस्ट्री लैब्स में किया जाता है, जिसमें जो लिक्विड्स हैं उनको अलग किया जाता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, ए सॉल्यूशन इज़ फॉर्म, यानी सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। सॉल्यूट यानी शुगर एंड सॉल्ट, और सॉल्वेंट वाटर, यानी जो ज़्यादा मात्रा में चीज़ हम ले रहे हैं जिसे हम वाटर कह रहे हैं उसे हम सॉल्वेंट कहा जाता है, और शुगर और सॉल्ट उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जब इनको मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। सॉल्यूशन बराबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। वाटर कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। वाटर में ज़्यादातर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इट इज़ देयर फोर कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट अदर सब्सटेंस इन वाटर इज ऑल्सो इंक्रीज विद टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी यानी जब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि चीज़ें मिक्स होना बंद हो जाती हैं। जैसे अगर हम ही एक ग्लास पानी में दो या तीन चार चम्मच चीनी डाल दें एक ग्लास पानी में, पहले तो वो मिक्स होती रहती है, लेकिन जब उसके बाद हम उसके और चीनी उसमें मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद उसमें मिक्स होना बंद हो जाती है और नीचे बैठना शुरू हो जाती है। अगर हम इसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस पानी को गर्म कर लेते हैं, जिससे कि वो भी जो शुगर है वो भी मिक्स हो जाती है। यानी वाटर की जो सॉलिबिलिटी है हम कई बार टेम्परेचर को बढ़ाकर भी ज़्यादा कर देते हैं, जिससे चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। थैंक यू।